अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के समर्थन में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आजाद पार्क में एक विशाल आम सभा को संबोधित किया। इस मौके पर गहलोत ने केंद्र सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जब चाहा जिसके ऊपर ईडी की कार्यवाही करवाकर उसे डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार और भाजपा के लोग महंगाई और बेरोजगारी पर कभी भी चर्चा नहीं करते हैं, और अगर उनसे इस बारे में सवाल जवाब भी किए जाते हैं तो गोलमोल जवाब देकर बात को टाल देते हैं। उन्होंने अजमेर के सभी जनता से अपील की है कि कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी को भारी बहुमत से जिताकर विजयी बनाए। हमारी सरकार इतने अच्छे काम किए, खोल दिए मैंने, लड़कियों के इतनी कॉलेज खोल दिए, विश्वविद्यालय खोल दिए, स्वास्थ्य लोगों काम कर दुनिया में नहीं है कहीं पर, हिंदुस्तान की बात छोड़ो, दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, MRI फ्री, CT scan फ्री। अरे गरीबों का, मध्यम क्लास का, पूरी जनता का नहीं माया 25 लाख का है हिंदुस्तान में। अभी मैनिफेस्टो बीपी का 76 साल के बुजुर्ग 5 लाख का बीमा देंगे उसमें लिखा हुआ है। अरे हम तो 25 लाख उनको दे रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, कोई भी हो, हर नागरिक को दे रहे हैं। पानी योजना बनी, जल मिशन, घर घर जल आएगा, प्रधानमंत्री से ले रहे हैं। अरे भाई आप पानी 45% पैसा दे, ईस्टर्न गवर्नमेंट का 45% पैसा था, 10% पैसा स्टेट में पब्लिक से इकट्ठा करना था, ये केंद्र की सरकार की शर्त थी। हमने घोषणा कर दी है राजस्थान में हम किसानों से पैसा नहीं लेंगे, 10% पैसा भी सरकार भरेगी, ये मैंने स्कीम में डाल रखा है, जिससे आराम से स्कीम आगे बढ़ सके। बिजली योजना में छोटे जो प्लान लग रहे हैं, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना दी हम लोगों ने, 3 लाख नौकरियां दे दी हम लोगों ने, 4.5 लाख बिजली कनेक्शन दे दिए। अब जो हमारा मैनिफेस्टो आया है, तो राहुल गांधी की जो यात्रा थी, बागडोर यात्रा, बागडोर न्याय यात्रा, उसके अंदर जो पब्लिक लाखों लोगों से मिले, उन्होंने जो बताया है पब्लिक क्या चाहती है, वो मैनिफेस्टो में वो एक प्रकार से उसका सारांश है। ये आपको गारंटी कार्ड मिले होंगे, वरना आप मांग के ले लीजिए कांग्रेस दफ्तर से, कार्यकर्ताओं से, सारी 25 गारंटी इसके अंदर है। आप पढ़ोगे आपको घर होगा, घर होगा, मैं कह सकता हूँ घर होगा, इतना साधन ये डॉक्यूमेंट है। मैं प्रचंड राजनीति कर रहा हूँ, ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने कभी नहीं देखा, सोशल सिक्योरिटी का, हर वर्ग का, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। आप पढ़ो इंडिया के अंदर, आप सोच नहीं सकते इतना शानदार मैनिफेस्टो कांग्रेस का है। और दूसरी तरफ इसमें साइन किए हुए हैं खड़गे साहब के, राहुल गांधी के, एक गारंटी कार्ड है, ये हमारी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, विश्वास करने योग्य बातें हैं। और मोदी जी के मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है। अरे झूठे वाले किए थे मोदी जी, भूले क्या, काला धन ले जाऊंगा, सेंटों में है, नाम देते क्यों, पलाला खाते में डाल दूंगा,